अपन आज की वीडियो में जानने वाले कि कैसे अपन अपने फोन पे को चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको क्या करना है, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे चले जाना और वहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना भाई फोन पे। आपको ना जल्दी से उसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने फोन पे को ओपन कर लिया, फिर आपको सबसे पहली जो स्टेप रहती है ना, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना रहता है। तो मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। अब मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे टैप कर देना रहता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हो ना, तो शायद आप कुछ गलत भी कर सकते हो, उससे आपको प्रॉब्लम बाद में आ सकती है, इसलिए प्लीज़ स्किप मत करना। आपको सिंपली प्रोसीड पे टैप कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पे टैप करोगे, आपने जो भी नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, जैसे कि मेरे को फाइनली आ चुका है। तो आपको उसे यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आती है कि फ़ोन पे वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन, तो मैं अलाउ कर देता हूँ, आपको भी कर देना है। तो कॉन्टैक्ट भी आपको अलाउ करने पड़ेंगे, मैं भी अलाउ कर देता हूँ। फिर आपको अपनी जो लोकेशन है ना उसे भी सेट करना रहता है, तो मैं कर देता हूँ, पर वाइल यूजिंग दी ऐप करना। अब देखो, अब आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अब आपको ना यहाँ पे क्या करना है, आप चेक बैलेंस पे अगर टैप करना चाहोगे ना, और यहाँ पे आपको देखेगा ऐड बैंक लिंक्ड टू, यहाँ पे नंबर आपका नीचे शो हो रहा था। तो अभी आपका जो बैंक अकाउंट है ना, जो लिंक्ड है आपके फ़ोन नंबर से, वो आपने सेलेक्ट नहीं करा है। तो आपको उसे सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप में सर्च कर लेना, अपने बैंक का नाम सर्च कर लो, जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बैंक आ गया, तो मैंने सिंपली इस पर टैप कर दिया। अरे बैंक जैसे यहाँ आ जाएगा ना, तो बताएगा वैलिडेट मोबाइल नंबर, वी नीड टू सेंड एन SMS फ्रॉम नंबर जो आपका आ रहा है टू फेच योर लिंक्ड बैंक अकाउंट। तो सिंपली आपको कंटिन्यू पे टाइप कर देना है। अब आपको सिंपली जो मैसेज है ना ये सेंड करना रहता है। तो ये जो मैसेज एक नंबर पे जाता है, इससे वो फिर कन्फर्म करता है आपके मोबाइल नंबर को, बता रहा है फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। अब बता रहा है आपका अकाउंट फाइनली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अब देखो ऐसा रहता है कि अपन को ना, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी ऐप का यूज़ कर रहे हो रहता है ना, कोई भी ऑनलाइन मनी पेमेंट वाले ऐप का, जैसे कि मान लो अगर आप ऑलरेडी गूगल पे का यूज़ कर रहे थे, तो आपकी जो UPI पिन है ना वो ऑलरेडी सेट होगी, जैसे कि मेरी ऑलरेडी सेट है। पर अगर आपकी ऑलरेडी सेट नहीं होती है ना, तो आप एक UPI पिन 6 डिजिट की बनानी रहती है, जो फिर आप एक बार कहीं पर बना लो ना, तो वो सभी ऐप में सेम यूज़ हो जाएगी। पर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आपको रीसेट करनी है ना, तो सिंपली आप रीसेट भी कर सकते हो। तो भाई ये UPI पिन क्या होता है? भाई UPI पिन एक 6 डिजिट का पिन होता है, जिसे आपको एंटर करना रहता है जब भी आप कोई पेमेंट वगैरह करोगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं सिंपली कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ। अब देखो भाई, फाइनली सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप मेरे को किसी को पे करना है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर पे, चलो आपको टैप करके दिखाता हूँ, और मैं एक नंबर को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जिस पे भी मेरे को पे करना है। तो यहाँ पे मैंने उस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस पे शो होगा। पर यहाँ पे नीचे क्या होता है, एंटर अमाउंट और चैट। अब आपको चैट लिखना तो चैट लिख सकते हो, पर अपन को सिंपली एक अमाउंट लिख देना जो मेरे को पे करना है। जैसे कि यहाँ पे सेंड 1 का आ रहा है ना, तो आप सिंपली इस पर टैप करके 1 लिख दो, 1 रुपये पे कर दो। या फिर मैं सिंपली आपको डायरेक्टली ऐसे 1 रुपीज़ पे करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 1 रुपीज़ ले लिया, सिंपली आपको पे पे टैप कर देना। देखो बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, अगर आपने मल्टीपल ऐड करे हो तो आप चेंज भी कर सकते थे, पर मेरे को सिंपली पे करना है, तो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। मैं जो भी UPI पिन सेट कर रखी थी ना, देखो ऑलरेडी मैंने दूसरे ऐप में कर ली थी, तो मेरे को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर आपने अगर अभी कोई 6 डिजिट की करी होगी, तो आपको उससे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर पाओगे। तो मैं जल्दी से उसे टाइप कर देता हूँ। अब आपको सिंपली सबमिट पे टैप कर देना। अब देखो फाइनली मेरे अकाउंट से 1 रुपये कट भी गए, और मैंने जिसे सेंड करे थे वो सेंड भी हो गए। तो आप सीख भी गए होगी अपन पैसा पे भी कैसे कर सकते हो। तो मेरे को अभी रेटिंग तो नहीं करनी। तो देखो फाइनली आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे आप अपने फ़ोन पे ऐप को चालू कर सकते हो। मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया था कि कैसे अपन गूगल पे को चालू कर सकते हैं, और कैसे अपने जो डेबिट कार्ड रहता है ना, उस अपन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट ही अगर आपने नहीं किया होगा ना, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोन पे का यूज़ कर रहोगे ना, तो आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट भी डालनी रहती है। पर मैंने वो सब चीज़ें गूगल पे में डाल दी थी, तो वो मेरे को यहाँ पे डालनी नहीं पड़ी। तो डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पहले यहाँ पे दिक्कत अगर आ सकती थी ना कोई, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपका फ़ोन पे अब चालू हो गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई दिक्कत आ रही है तो भी ज़रूर बताना। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।